एक्शन। ओके लेट मी टॉक अबाउट द लास्ट नाइट। मैं कल उस लड़की के साथ डेट पे गया, सेकंड डेट। मेरे ख्याल से तो द डेट वाज गोइंग परफेक्टली फाइन। शी वाज नाइस, प्रिटी एंड इंटेलिजेंट आल्सो। सो आई विल गिव हर 7.5 आउट ऑफ 10। नो नो वेट, आई थिंक 7 इज बेटर। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब अपना बिल आया। वेटर ने बिल टेबल पर रखा और वो मैडम कंटिन्यू महिला मुक्ति पर प्रवचन दी जा रही थी। क्यों? ऑफ कोर्स शी वाज वेटिंग फॉर मी टू पे द बिल। लेकिन क्यों भाई? लॉबस्टर उसने ऑर्डर किया, एंड यू नो आई हेट लॉबस्टर्स। महंगी वाइन उसने ऑर्डर की, बट आई लाइक बियर और कैवियर। अबे साले मच्छी के अंडे कौन खाता है? और इतना सब होने के बाद अगर मैं ये उम्मीद करूं कि शी हैज टू पे द बिल, तो इसमें गलत क्या है भाई? वैसे तो वो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि लड़कियां लड़कों से किसी तरह से कम नहीं, तो मैडम को प्रूफ भी तो करना होगा। और वैसे भी बिल के लिए हम लड़की हर बार बिल पे क्यों पे करें? तो बता यार अगर मैं गलत हूं तो। और वैसे भी ब्रो, बात पैसे की नहीं है, बात है प्रिंसिपल्स की, अपनी डिग्निटी की। और वैसे भी आई टेल यू, शादी मैंने उसे कुछ ज्यादा ही दे दिए। शी डोंट डिजर्व इवन मोर देन अ 4। और तू अच्छे से जानता है रॉबिन को कि मैं 9 और अबव कोई घास डालता हूं, तो उस लड़के का तो दूर दूर तक चांस नहीं बे।